बीते करीब 2.5 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शरद द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। आप सोचिए कि शरद द्विवेदी ने 1990 में सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की। दैनिक जागरण, फ्री प्रेस, बाद में समाचार एजेंसी UNI की हिंदी सेवा वार्ता से आप करीब 14 वर्षों तक जुड़े रहे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समान रूप से सक्रिय, भोपाल दूरदर्शन, DD नेशनल के अनेक कार्यक्रमों से लंबे समय तक उनका जुड़ाव। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल, 2012 में बीजिंग ओलंपिक के लिए भी आपने DD स्पोर्ट्स को अपनी सेवाएं दी। ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका कार्यक्रम खरी खरी बेहद चर्चित रहा। 2010 में भास्कर से जुड़े, स्टेट ब्यूरो विशेष संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दी। अभी बंसल न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड के रूप में कार्यरत हैं। इस चैनल ने बहुत कम समय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपना नाम स्थापित करते हुए कीर्तिमान बनाया। शरद द्विवेदी, नहीं बहुत धन्यवाद। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं और हमारे बोलने से लोग परेशान होते हैं, लेकिन शरद जी बैठ भी सकते हैं आप। बोलना हमारा व्यवसाय है और एक ऐसा व्यवसाय है जैसा गुर्जर जी अभी कह के भी गए कि रेल की पटरी की तरह हम होते हैं। रेल की पटरी की तरह तो हैं, लेकिन मिलना भी ज़रूरी है मुझे लगता है। कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे मिलें, लेकिन वो ईमानदारी बरकरार रहे इधर से भी और इधर से भी, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये रिश्ते रहे हैं हमारे बीच में, पहले भी रहे हैं, अभी भी रहे हैं। बहुत कठिन समय होता है खासतौर से टेलीविज़न पत्रकारिता का, क्योंकि हमारे ऊपर भी भरोसा बहुत तेज़ी से कम हुआ है। जैसा समाज के सभी प्रमुख क्षेत्रों में जो दिग्गज लोग हैं उन पर कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, सब विज्ञ लोग हैं, इस पर विचार करें, लेकिन उस भरोसे को कैसे कायम करें ये बड़ी चुनौती है। और जब अनुराग जी दखल देते हैं तो ये भरोसा कायम करने की चुनौती और बढ़ जाती है। कोशिश पूरी रहेगी अनुराग जी। दो मिनट रोकूंगा। ये भरोसा जो टूटता है तो बहुत तकलीफ दे होता है। दो लाइनें सुनाऊंगा पहले आपको, फिर आप कि जो थे दरबदर वो दीवारों के मालिक हो गए, जो थे दरबदर वो दीवारों के मालिक हो गए, और मेरे सारे दरबान दरबारों के मालिक हो गए, और शब्द गूंगे हो गए और लफ्ज बहरे हो गए, जितने थे मुखबिर वो अखबारों के मालिक हो गए। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और कुछ इसी पे एक बड़ा अच्छा शेर मुझे भी ध्यान आया, दोनों उसमें किरदार हैं। आज के वक्त की मजबूरी भी एक झलकती है उस शेर में, और फिर खुददारी भी है एक शेर में। दोनों रंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग इस कदर सर झुकाते हैं कि हमको दरबान याद आते हैं, ये मजबूरी का शेर है। और हम तो सूरज हैं सर्द मुल्कों के, जब मूड आता है तब निकलते हैं। जी बहुत शुक्रिया।